भारतीय संस्कृति में होता है नई फसल जो आती है, नई सब्जी जो आती है, उनके सबसे पहला भोग ठाकुर जी के लगाया जाता है और इन नई सब्जियों का जो सबका मिश्रण करके एक अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है, उसका भोग ठाकुर जी के लगने के बाद प्रसाद किया जाता है। इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए आज हनुमान मंदिर वाली मोहल्ला पंचायत समिति द्वारा अन्नकूट महोत्सव किया जाता है। दीपोत्सव के 5 दिवसीय पर्व के समापन के साथ ही शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव के आयोजन, अजमेर जिला गौड़ ब्राह्मण सभा और क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत समिति ने मनाया अन्नकूट महोत्सव। दीपोत्सव के 5 दिवसीय पर्व के समापन के साथ ही कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया से अन्नकूट महोत्सव के आयोजन भी प्रारंभ हो गए। रविवार को अजमेर जिला गौड़ ब्राह्मण सभा का अन्नकूट महोत्सव और दीपावली स्नेह मिलन समारोह माल रोड स्थित गौड़ ब्राह्मण भवन में रखा गया। समाज के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने बताया कि भगवान परशुराम के प्रति आज की युवा पीढ़ी और बच्चों में जानकारी बनी रहे, इसे लेकर स्नेह मिलन के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें समाज के सभी महिला पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में वृद्धजनों का सम्मान भी किया गया, साथ ही सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ ही भगवान को भोग लगाकर अन्नकूट प्रसादी खिलाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। अजमेर जिला गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम के साथ उसमें वृद्धजनों का सम्मान किया गया, वृद्ध महिलाओं के सम्मान किया गया, जिसमें समाज के सभी महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों द्वारा क्विज प्रतियोगिताएं रखी गई, परशुराम भगवान के क्रम में प्रतियोगिता रखी गई और उनके उत्तर दिए गए, जिससे समाज में भगवान परशुराम के बारे में जानकारी मिल सके एवं अन्य भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और शाम के समय अन्नकूट का आयोजन। कितने लोगों का सम्मान किया जाए? करीबन 30 बुजुर्ग प्रतिभा और सब मिला के करीबन 30। इसी तरह क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत समिति का अन्नकूट महोत्सव कृष्णगंज माली मोहल्ला स्थित हनुमान जी मंदिर में आयोजित किया गया। समाज के अध्यक्ष गोविंद राम यादव ने बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति में अन्नकूट महोत्सव का विशेष प्रयोजन होता है। इस वक्त नई पैदावार में पैदा होने वाली फल सब्जी व धान को सबसे पहले भगवान ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है, इसलिए सर्वप्रथम इन सभी का मिश्रण कर इन्हें पकाने के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाता है। अन्नकूट बनाने के लिए समाज के पृथ्वीराज सांकला, रमेश चौहान, राजेश सांकला, ओम प्रकाश शर्मा, गोपाल जादव, बजरंग शर्मा, दीपंज जादव, छोटू जादव सहित कई कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत समिति हनुमान मंदिर माली मोहल्ले के अंदर आज अन्नकूट महोत्सव हुआ। अन्नकूट महोत्सव का महत्व तो हमारे भारतीय संस्कृति में होता है, नई फसल जो आती है, नई सब्जी जो आती है, उनके सबसे पहला भोग ठाकुर जी के लगाया जाता है और इन नई सब्जियों का जो सबका मिश्रण करके एक अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है, उसका भोग ठाकुर जी के लगने के बाद प्रसाद किया जाता है। इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए आज हनुमान मंदिर माली मोहल्ला पंचायत समिति द्वारा अन्नकूट महोत्सव किया गया। अन्नकूट महोत्सव के अंदर समाज के सभी लोग, गैर समाज के लोग और सभी लोगों ने मिलकर उत्साह से इसमें भाग लिया। एक बहुत अच्छा वातावरण बना खुशी का, पूरे समाज के अंदर खुशी की लहर है कि आज अन्नकूट महोत्सव हमारे इस मंदिर के अंदर हो रहा है और सबका इसके अंदर विशेष तौर पे सहयोग रहा। अन्नकूट महोत्सव जो बनाया जाता है ये नई सब्जियों के उस उपयोग के लिए बनाया जाता है, इसके अंदर हमारे विशेष सहयोग सभी बंधुओं का रहा, समाज गैर समाज के लोगों का, और आज विशेष तौर पर इसके अंदर हमारे पृथ्वीराज जी, रमेश जी चौहान, अरुण पाटी, गोपाल जादव, मनोज डारीवाल, कमलेश शर्मा और इन सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा और सब लोगों ने बड़े उत्साह से करा, सब लोगों ने मोहल्ले के अंदर इसमें शामिल हुए।